हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जाएंगे चौरप मेला। हाँ, जो कि त्रिपुरा का एक बहुत मतलब बहुत सालों से चला आ रहा है एक कल्चरल फेस्टिवल है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, सो वी विल टेक यू थ्रू द फेस्टिवल। सो चरक मेला एक्चुअली होता है उदयपुर शिवबारी के ठीक सामने ही, और ये जो दीघी दिख रहा है इसका नाम है महादेव दीघी और दूसरा नाम है विजय सागर। चरक मेला में एक्चुअली चरक नाम का एक ट्री को पूजा जाता है और मान्यता है कि ये चरक ट्री महादेव दीघी में ही रहता है। पूजा के दिन सुबह ये ट्री को आह्वान किया जाता है और तभी जाके यहाँ पे लाके स्थापन किया जाता है। चरक मेला साल में एक ही बार होता है, बंगाली न्यू ईयर आने का ठीक एक दिन पहले ये पूजा का आयोजन किया जाता है। इस पूजा में एक्चुअली भगवान शिव जी को ही पूजा जाता है। चरक ट्री के आगे शिव जी के नाम का कलश स्थापन किया जाता है और शिव जी को पूजा जाता है ताकि नया साल बहुत ही अच्छा जाए बंगालीज के लिए। और चलते चलते हम लोग पहुँच गए हैं महादेव बारी में। इस मंदिर का स्थापना किए थे महाराजा धन्यमाणिक्य ने। आफ्टर दैट रेनोवेशन का काम करवाए थे महाराजा राधा किशोर माणिक्य ने। उदयपुर शहर के ठीक बीचों बीच ये मंदिर सिचुएटेड है। शिवरात्रि के टाइम पे यहाँ पे 3 दिन का एक मेला आयोजन किया जाता है। बहुत ह्यूज होता है वो मेला। बचपन में नानी दादी से बहुत सुने थे कि महाराजा बहुत कोशिश किए थे इस शिवलिंग को यहाँ से लेके अगरतला शिफ्ट करने के लिए। हाथी घोड़ा बहुत कुछ लेके आए थे बट हिला नहीं पाए शिवलिंग को यहाँ से। दैट्स वाई शिवलिंग थोड़ा टिल्टेड है। मेन मंदिर के साइड बाय साइड छोटा छोटा बहुत सारा मंदिर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आजकल साधु संत लोग जब आते हैं मेला के टाइम पे वो लोग यहाँ पे रहते हैं। भगवान जी का दर्शन हो गया, अभी चलते हैं मेला देखने के लिए क्योंकि क्राउड ऑलरेडी बढ़ चुका है। इस मेला पे मंत्र के सहायता से बहुत सारा एक्टिविटीज़ परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि जिंदा आदमी को कब्र दिया जाता है, फिर बहुत देर बाद निकाला भी जाता है और उसके बाद फिशिंग रॉड इंसर्ट करके बैक पे चरक ट्री के राउंड राउंड घुमाते हैं। बहुत सारा एक्टिविटीज़ होता है, जस्ट आप लोग देखते रहिए। और यहाँ पे देखिए और एक एक्टिविटी का तैयारी किया जा रहा है। अभी टाइम है राधा एंड कृष्णा जी का डांस देखने का, जिसे गाजन नृत्य कहा जाता है और ढाकिन नाच भी बोला जाता है। और अभी कटिंग टूल के ऊपर शिव जी को लेटाया जाएगा एंड उनके ऊपर काली माँ चढ़ेंगे एंड चारों ओर राउंड राउंड घुमाया जाएगा।
ऑलमोस्ट एंड तक आ गया है। अभी है लास्ट एक्टिविटी, मतलब जो फिशिंग रॉड को इंसर्ट करके चारों ओर घुमाया जाता है वो एक्टिविटी। मेला संपन्न हो गया है, अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। सो नाउ वी आर ऑन द वे टू होम। बहुत थक गए हैं वहाँ पे खड़े होके, ओके बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्राउड तो आप लोग देख ही है, बहुत टायरिंग था। चलिए घर चलते हैं और रेस्ट करते हैं।